स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। ये कहानी नोबुरो नाम के एक लड़के से शुरू होती है जो कि कई सालों बाद अपने होम टाउन वापस आया है, क्योंकि इसने एक बुक लिखी है जो पब्लिश होने वाली है। लोकेशन पर आता है तो इधर एक लड़की से टकरा गया। इस लड़की का नाम तत्सुको है, जो कि इसके स्कूल में पढ़ा करती थी, इसकी क्लासमेट थी, जो आज अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ यहाँ पर आई हुई है। खाना खाते हुए दोनों में बातें होने लगी। तत्सुको इसे बधाई देती है एक बहुत अच्छा राइटर बनने के लिए। नोबुरो को याद आता है कि कैसे जब ये न्यू स्कूल में आया था तो तत्सुको को चुपके चुपके देखा करता था। ये जानना चाहता था कि इतनी सुंदर और अमीर और पॉपुलर लड़की मुझसे बात करेगी कि नहीं, क्या इसका बॉयफ्रेंड होगा। तत्सुको की बात कर लूँ तो ये बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से आती है और दिखने में बहुत सुंदर है और पूरे स्कूल में पॉपुलर होती है। और नोबुरो एक बहुत ही सिंपल फैमिली से आने वाला एक सिंपल सा लड़का था। दिन भर इसी ख्याल में निकाल देता कि क्या मुझसे बात करेगी। एक दिन पता चलता है कि तत्सुको का एक बॉयफ्रेंड भी, जिसका नाम मियासाकी है, वो एक सीनियर है और काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी केयर करती है तत्सुको उसकी। पर मियासाकी के दूसरी लड़कियों के साथ भी रिश्ते होते हैं तो नोबुरो को अजीब लगता है कि जब वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो ये दूसरी लड़कियों से क्यों मिलता जुलता है। मियासाकी और नोबुरो दोनों का घर रास्ते में ही पड़ता है। दोनों साथ में स्कूल से घर जा रहे होते हैं तो मियासाकी से मिलकर पूछता है कि कैसे हो, तुम तो मुझसे जूनियर हो। नोबुरो तो बस तत्सुको के बारे में जानना चाहता है तो इससे पूछ बैठता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम उस दूसरी शॉर्ट हेयर गर्ल के साथ क्या कर रहे थे। मियासाकी अचानक टॉपिक चेंज करके कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है नोबुरो। नोबुरो कहता है कि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करती है, देखो मैं कैसा हूँ, मुझे कौन डेट करेगी, मैं अगली हूँ बहुत ज़्यादा। अगले दिन मियासाकी नोबुरो को उस शॉर्ट हेयर गर्ल से मिलवाता है और ये हमारी मूवी की एक मेन कैरेक्टर मोमोसे होती है। वापस हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। खाना खाकर अब तत्सुको यहाँ से जाने लगी है। नोबुरो इसको रोकते हुए बोलता है कि बैठो, मुझे तुम्हें कुछ सीक्रेट बताना है जो आज तक शायद तुम्हें नहीं पता है। और वो स्कूल के दिनों से रिलेटेड था और ये सीक्रेट काफ़ी बड़ा था। और यहाँ से फिर से हम पास्ट में आते हैं और हम देखते हैं कि सीन वहीं पर है, यानी कि मोमोसो से मिला था नोबुरो। मियासाकी की गर्लफ्रेंड है मोमोसो। यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मोमोसो और तत्सुको दोनों इस मियासाकी की गर्लफ्रेंड हैंगी। अब मियासाकी रिलेशन छुपाना चाहता है अपना इसके साथ, इसीलिए नोबुरो से कहता है कि तुम स्कूल में ऐसा प्रेटेंड करो कि मोमोसो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मतलब फेक रिलेशनशिप में इसके साथ आ जाओ ताकि मैं बच के रहूँ, मेरे ऊपर शक ना हो। नोबुरो भी मान जाता है। जिस लड़के से आज तक किसी लड़की ने बात तक नहीं किया हो, स्कूल की एक इतनी सुंदर लड़की के साथ उसको रिश्ता बनाने को मिल रहा है, भले वो फेक ही क्यों ना हो, इसको खुशी मिलती है। और पूरे स्कूल में ये घूमने लगता है उसके साथ, ये क्या घूमता वही घूमती है, इसको पकड़ पकड़ के, ये तो शर्माता रहता है और पूरे स्कूल के लड़के जलते रहते हैं देखे कि आखिरकार ये इसने पटाया कैसे इसको। हाथ पकड़ कर चलना, घूमना, साथ में खाना पीना, ऐसे ही दो हफ्ते बीत जाते हैं। आज छत पर नोबुरो मुँह खोल देता है, पूछता है इससे कि मियासाकी से कैसे मिली थी तुम। मुझसे बताती है कि मैं उससे मिलने जाया करती थी एक जगह पर जहाँ वो काम करता है और ऐसे धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया, उसके अलावा कोई मुझे अच्छा लगता ही नहीं है। तुम बताओ तुम्हारा बचपन कैसा बीता था। नोबुरो कहता है कि इस कहानी को हम आगे के लिए छोड़ देते हैं। अगले दिन मोमोसो को मियासाकी ने बुक दिया होता, पूरी रात पढ़ के आई, बहुत खुश है, पागल होती है उसके प्यार में ये। नोबुरो फिर से अपने बचपन का किचन दिखाता है जो इसे मियासाकी ने दिया था, तो ये भी छीन लेती है इसे और जाकर क्लास में बैठकर उसको देखती रहती है, जहाँ से हमें पता चलता है कि इसके दिमाग में कितना क्रेज है मियासाकी के लिए। घर जाते हुए मोमोसो नोबुरो साथ में है, यहीं पर मियासाकी दिखता है जो तत्सुको के साथ है। यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मियासाकी की जो गर्लफ्रेंड मोमोसो है ना, इसको पता है कि मियासाकी की ये तत्सुको भी गर्लफ्रेंड है। मोमोसे जलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये लड़की रहती है और ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। खैर फिर यहाँ से सब घर चले जाते हैं। शाम को मोमोसे हमेशा की तरह आज भी मियासाकी के वर्क प्लेस पर आई होती है। मियासाकी के दोस्त बहुत खुश होते हैं, लाइक फ्रेंड्स होते हैं ना जो कहते हैं वाह यार क्या लड़की है, भाभी तो बहुत सुंदर है। लेकिन मियासाकी बोल बैठा है कि ये तो मेरी दोस्त है। मोमोसे सुनकर सैड हो जाती है पर कुछ नहीं करती है, उसके साथ बैठ जाती है और कहती है ना कि तुम घबराओ मत, तत्सुको को हम पे शक नहीं होगा, उसे नहीं पता चलेगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। जहाँ हम ये जान पाते हैं कि इसको, और यहाँ पर 100% क्लियर हो जाता है कि इस लड़की को पता है कि तत्सुको इसकी गर्लफ्रेंड है, फिर भी ये इसके साथ ही रहती है, इसके साथ रिलेशन में है। मियासाकी खुश है, नोबुरो को थैंक यू कहता है कॉल करके कि सब कुछ स्मूथली चला रहे हो तुम, बहुत अच्छा है, मेरी गर्लफ्रेंड को शक नहीं हो रहा मोमोसे के बारे में। लेकिन नोबुरो को मोमोसे के लिए बुरा फील होने लग गया होता है। होगा यार, सिंपल सी बात है, मोमोसे सैड होकर घर जा रही होती है, मियासाकी से प्यार करती है,
फीलिंग्स फीलिंग्स इसे खत्म करे बताओ तुम लोग, नहीं होती है। अगले दिन दोनों लड़कियां फ्रेंड बन गई होती हैं। तत्सु को इस बात से अनजान है कि मेरा बॉयफ्रेंड इसका भी बॉयफ्रेंड है। नोबोरु के पेट में दर्द हो रहा होता है, मोमोसे इससे मिलने आई है। बताती है कि तत्सुको ने हमें ट्रिप ऑफर किया है क्योंकि वो एक रिच लड़की है ना, रिच फैमिली से आती है, तो हमें घुमाने लेके चलेगी गर्मी की छुट्टियों में। नोबोरु मान गया होता है और ट्रिप आउटफिट सिलेक्शन के लिए नोबोरु मोमोसे को अपने घर पर लेकर आता है क्योंकि उसको ज़्यादा फैशन के बारे में पता नहीं ना। मोम तो बहुत खुश है कि बाप रे ये मैंने क्या देख लिया, सोचा नहीं था कि मेरा अगली बदसूरत बेटा कभी घर पर लड़की भी ला सकता है, बड़ा हो गया शायद ये। फिर दोनों रूम में आकर ड्रेस सिलेक्ट करते हैं। नोबोरु के अंदर फीलिंग्स आने लग गई होती है मोमोसे के लिए। साथ में खाना खाते हैं, फिर बर्तन धोते हैं। अब बर्तन धोते हुए नोबोरु जब मोमोसे को देखता है ना तो इसको प्यार हो जाता है उसे। घर जाते मोमोसे बता दे कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरे पिता तो कभी कभार घर आते हैं और वो बहुत टाइम से आए भी नहीं है। और ये कहता है ना फिर इसको कि हमें फेक रिलेशन तोड़ देना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। मोमोसे मना करती है क्योंकि इसी का प्लान था ये फेक रिलेशन रखने का, ताकि तत्सुको को पता ना चल सके कि मियासाकी और इसका अफेयर चल रहा है और ये मियासाकी से बहुत प्यार करती है। लेकिन हम इसको प्यार नहीं कह सकते, एंड में बात करेंगे हम। लेकिन अब नोबोरु का क्या, इसको फीलिंग आने लगी है, सब अपना अपना क्यों सोच रहे हो। मोमोसे के घर का सीन देखते हैं, इसके चार छोटे छोटे भाई बहन हैं जो सुबह से भूखे नंगे बैठे रहते हैं और मोमोसे का इंतजार करते हैं कि जब वो आएगी तो खाना बनाकर हमें देगी, एक मम्मी की तरह, ये उनकी मदर की तरह केयर करती है। अगले दिन मोमोसे नोबोरु के बाल काट रही होती है ट्रिप के लिए, फिर मस्ती करते छत के ऊपर और फाइनली हॉलीडे भी हो गए होते हैं, चारों घूमने गए होते हैं। मियासाकी कहता है कि क्या बात है नोबोरु, तुम्हारा मोमोसे का रिश्ता तो काफी स्ट्रांग होता जा रहा है। मोमोसे अपने बॉयफ्रेंड को तत्सुको के साथ देखकर बहुत जल रही होती है, बहुत ज़्यादा। नोबोरु अलग परेशान हो रहा होता है, इसे मूवी नहीं जाना, इसको नींद आ रही है क्योंकि लास्ट नाइट ये सोया नहीं था बिल्कुल भी। मोमोसे भी इसके साथ बाहर ही रुक जाती है और फिर मूवी खत्म होने के बाद सारे पार्क में जाते हैं जहाँ पर बोट राइड करनी है। मियासाकी मजाक में बोल बैठता है कि जो कपल इसमें साथ में बोट राइड लेते हैं ना उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो लड़कियों में खौफ बैठ गया होता है, तो डर के मारे पार्टनर चेंज कर देती है। नोबोरु तत्सुको के साथ बैठता है ना कि मोमोसे के साथ, लेकिन अब इसको समझ नहीं आ रहा कि इससे क्या बात करूं। हालांकि ये इसको पसंद भी करता है, पहले भी करता था, इसकी क्रश है, ये हमेशा इसको देखा करता था, लेकिन बातें नहीं करने के लिए। तो मूवी के बारे में पूछ बैठता है कि मूवी कैसी थी जो तुम लोगों ने अभी देखी। फिर सब आइसक्रीम खाते और बातें करने लगते अपनी फैमिलीज की, थोड़ी बहुत इधर उधर की। ऐसे दिन बीत जाता है। तत्सुको मियासाकी को जाते हुए एक फ्लावर देती है। इस फ्लावर का मतलब होता है चीट करना, धोखा देना। जब हमें किसी के ऊपर शक हो और हमें पता होना कि सामने वाला इंसान हमें चीट कर रहा है तो ये फ्लावर हम उसको देते हैं। इस फ्लावर का मीनिंग ही वही होता है। मियासाकी को नहीं पता इस फ्लावर के मीनिंग के बारे में, पर नोबोरु समझ गया होता फ्लावर देखकर कि तत्सुको मियासाकी के कर्म कांड के बारे में जानती है, तभी उसको फ्लावर दे रही है। फिर दोनों उतर कर घर चले जाते हैं। मोमोसे और नोबोरु अगले स्टैंड पर उतरेंगे। मोमोसे बैठी रो रही होती है, अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ घूमता देख कैसा लगेगा ये तो वही फील कर सकती है, और नोबोरु को भी छोड़कर अकेले चली जाती है। यहाँ इसको एक क्लासमेट मिलता है, दोनों बातें करने लगे। नोबोरु इसको बताता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, सब कुछ बोलता है। क्लासमेट कहता है कि मोमोसे को तो मैं भी पसंद करता हूँ, तुम उसे बोल दो जो तुम्हारे दिल में है बिना टाइम वेस्ट किए। नोबोरु मियासाकी के घर आता है बताने के लिए कि मैं मोमोसे से प्यार करने लग गया हूँ। मियासाकी के घर की बात कर ले तो ये बहुत बड़ा बुटीक होता है जहाँ पर कपड़े उपड़े बनाए जाते हैं। ये मियासाकी के पिताजी का है जो अब बंद हो चुका है पैसे की कमी की वजह से। और यहाँ से हमें एक सीन दिखाया जाता है, जब ये छोटे थे तो नोबोरु का एक्सीडेंट हो गया था साइकिल से, उसको चोट लग गई थी, तो मियासाकी ने इसको बचाया था, हॉस्पिटल ले गया था, हेल्प की थी। उसी टाइम से नोबोरु इसका कर्जदार बन गया, एहसानों तले दब गया था ऐसा बोल सकते हैं, और कहता था ना कि मियासाकी तुम जो बोलोगे ना वो मैं करूँगा, और आज तक ये वहीं पे कर रहा है। मियासाकी बोलता है कि मैं अपने डैड का बुटीक वापस से खोलना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए। अब ये सुन के नोबोरु समझ गया होता है कि मियासाकी तत्सुको का यूज़ कर रहा है पैसे के लिए, क्योंकि तत्सुको बहुत रिच फैमिली से आती है ना इसलिए। नोबोरु कहता है तो मोमोसे का क्या होगा, तो मियासाकी बोला कि तुम उसे गर्लफ्रेंड बना लो। नोबोरु को गुस्सा आ जाता है, कहते कि तुम इतनी अच्छी लड़की को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। मियासाकी फिर मोमोसे के नाम एक लेटर लिखता है और नोबोरु को देकर कहता है कि ले जाओ उसको दे देना। उसी रात ये लेटर लेकर उसके घर पर आता है। मोमोसे पढ़ती है तो इसमें लिखा होता है मियासाकी ने कि मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहता हूँ, और हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाता है। अब मियासाकी और मोमोसे का रिश्ता खत्म हो गया तो नोबोरु भी मोमोसे के पास क्या ही करने आएगा, फेक रिश्ता भी खत्म करना पड़ता है और ये दोनों भी अब नहीं मिलते हैं। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। तत्सुको ने मियासाकी से शादी कर ली थी और ये उसी की बेटी है, और मियासाकी बहुत बड़ा बुटीक चलाता है जो पॉपुलर हो गया है और काफी रिच बन गया है। नोबोरु कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें वो चीट फ्लावर क्यों दिया था, क्योंकि तुम जानती थी कि मियासाकी तुम्हें पागल बनाता है, तुम्हें चीट करता है, और मोमोसे भी उसी की गर्लफ्रेंड है। तत्सुको कहती है कि चुप,
किसी को बताना मत, पुरानी बात हो गई है, हम उस टाइम बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए हैं, क्या फर्क पड़ता है, टाइम चला गया ना, जाने दो अब। और यहाँ से फिर चली जाती है चुपचाप अपनी बेटी को लेकर खुशी खुशी। नोबोरू स्कूल आता है, घूमता फिरता छत के ऊपर जाता है, मोमोसे के साथ बिताए गए उस टाइम को याद कर रहा होता है। और जब यहाँ से जाने लगता है ना, तो इसके सामने से मोमोसे आती हुई दिखाई पड़ती है, पर उसको पहचान नहीं पाती और इसके सामने से निकल कर चुपचाप चली जाती है। और ये उसको मुड़ के भी नहीं देखता, बस स्माइल करता रह जाता है, क्योंकि जानता था कि वो मोमोसे थी। और यहाँ पर फिल्म जो है ख़त्म हो जाती है। एंडिंग ने रुला दिया था, मतलब इनको मिलना चाहिए था। क्या है, मिलना चाहिए था यार इन लोगों को। देखो क्या, चारों का अलग अलग था, और ये जो कैरेक्टर थे ना चारों, ये रियल लाइफ में भी होते, हो सकते तुम लोगों में से देख रहे हो, बहुत सारे लोग, ये सारी चीज़ें जो हैं तुम कहीं ना कहीं इसमें से एक एक कैरेक्टर भी निकल कर आ सकते हो। नोबोरू का ऐसा था कि उसको कोई लड़की भाव नहीं देती थी, ना ही कोई उससे बात करती थी, क्योंकि दिखने में अगली था। और मोमोसे के साथ जब उसको फेक रिलेशन बनाने का मौका मिला, भले ही वो मियाँ साकी के एहसानों तले दबा हो, तो मियाँ साकी की बात मान रहा हो इसलिए बनाया, लेकिन फिर भी उसको अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो मोमोसे के साथ था। और जब टाइम कोई किसी का बिताता है, अच्छा लगने लग जाता है उसको, फिर उसको प्यार होने लगता है। तो कुछ ऐसा ही था नोबोरू के साथ, उसको मोमोसे से प्यार होने लग गया था। मोमोसे की बात कर ले तो वो एक पागल लड़की थी, जिसे मियाँ साकी से प्यार हो गया था, ये जानते हुए भी कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। इसे हम प्यार ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं बोल सकते, ये प्योर बेवकूफ़ी थी, क्योंकि फीलिंग्स ऐसी नहीं होती है। अगर तुम ऐसा करते हो तो सुधर जाओ, नहीं चलती दुनिया से। मियाँ साकी, जिसके लिए लड़कियाँ मैटर नहीं करती थी, वो बस लड़कियों को यूज़ करना जानता था, उसने स्कूल की सबसे अमीर जूनियर लड़की को फंसा लिया, हम यही कह सकते हैं, जो तत्सुके ही थी, और फिर जैसे तैसे उसे शादी की और पैसे लेकर अपने बुटीक को आपस कमा चलाया, और अब वो मतलब अच्छा खासा पॉपुलर बन चुका है। और अगर मैं लास्ट में तत्सुओ की बात कर लूँ, तो भले इसका रोल कम हो, लेकिन इसका कैरेक्टर हमें ये बताता है कि प्यार ऐसी भयंकर चीज़ है कि तुम जानते हो भी ना कि तुम्हारा पार्टनर धोखा दे रहा है तुमको, तुम उसके साथ रह लोगी इस उम्मीद में कि कभी ना कभी सब कुछ सही हो जाएगा। और ये चीज़ बहुत खतरनाक होती है, मैं तुम्हें बताऊँ तो। देखो सब इस बात से अग्री नहीं करते हैं कि हमारा पार्टनर ऐसा, हमें पता उसके बारे में ऐसे ऐसे करता है, वो बाद में सुधर जाएगा। देखो सब अग्री नहीं होते हैं कि सब उसके साथ रहे, नहीं मानेंगे कोई, पर बहुत से लोग होते हैं, तुम जान के शौक हो जाओगे कि हाँ होते हैं ऐसे लोग जो कि अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, जानते हो भी कि वो हमें चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो गलत होता है, मत किया करो ऐसा, बहुत बुरा लगता है। रिश्ता बनाया करो तुम, पर इतना नहीं कि उसके बिना मुश्किल हो जाए रहना, उसकी गलतियाँ ना दिखे तुम्हें, वो तुम्हें रोज़ झूठ बोलेगा और तुम उसको रोज़ सच समझोगे, एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तुम्हारी। मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले बता रखा है, ठीक है। तो ऐसा अलर्ट रहा करो तुम लोग, क्योंकि उस कंडीशन पे जाने के बाद तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कौन फैमिली कौन फ्रेंड, क्या काम क्या पढ़ाई, कुछ भी नहीं। और वो इंसान तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा, ठीक है। तो रियल लाइफ में बहुत बुरा है। बाकी ये फिल्म थी तो इसकी एंडिंग अच्छी है, अच्छी है कि तत्सुको के लिए मैं खुश हूँ, उसकी शादी हो गई, भले मियाँ साकी से हुई, ओके, भले उसने लालच में शादी की, पर कम से कम शादी की, एक बेबी भी है। और मेन बात यह है कि तत्सुको अभी खुश है, और एंडिंग में अगर तुम खुश हो तो ठीक है, तुम्हारी लाइफ अच्छी है, ओके। लेकिन नोबोरू उसका क्या, आज भी वो वैसा का वैसा ही है। और मोमोसे के बारे में हमें ज़्यादा दिखाया नहीं गया है उसका क्या हुआ, वो शायद अभी जा रही थी, तो हो सकता है वो कोई नौकरी जॉब करती होगी जहाँ से वो अभी जा रही थी, या हो सकता है वो पढ़ के आ रही हो, कुछ भी बोल सकते हैं हमें, पर पढ़ने की उम्र तो इनकी मुझे लग नहीं रही है अब की होगी, क्योंकि एक का तो बहुत बड़ा बेबी भी हो चुकी है, वो छोटी वाली है नोबोरू, इतना बड़ा वो बन गया है, तो वो शायद हो सकता है मोमोसे एक नौकरी करती है। और इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया था, ओके। वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी इन चीज़ों को समझा करो, ज़्यादा ऐसा वो मत क्या करो कि, ठीक है, क्योंकि लोग ऐसा पागल बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। चलो बाय।